हाय हाय, सर्दी की सुना यार, सर्दी का क्या हाल है? मजा आ रहा है ना? सर्दी ठीक ठाक है, कपड़े जपड़े पाक रखी हुई है। सर्दी ने कपड़े जपड़े पाए हैं तो गाइस, हम लोग घर आ गए तो आते साथ ही इसको तार आ गई, वो वाली तार आ गई, तो इसने कहा मुझे पानी भरने चले। मेहमान की कोई इज्जत नहीं है, कोई वो क्या करते हैं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सिर्फ इसको यही कहा है कि आओ पानी भरने चलते। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम हो गया आपका अनदर व्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज बजे हैं तकरीबन सुबह के 7 और आपका भाई जो उठ चुका है, तो मैं उठ चुका हूँ और आप लोगों को मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये चेक करें। आए हाय 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 हाय, क्या धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये कैमरे में तो फिर भी कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये चेक करें बाइक का क्या हाल है, पूरी गीली हुई पड़ी। तो बाइक को फटाफट करते हैं साफ। ये कपड़ा आपके भाई ने आसानी के लिए इधर ही रखा हुआ गली में, जब कोई गंदी शंदी हो इसको फौरन साफ कर लो। बाइक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने स्टार्ट कर रही है, और माशाल्लाह पहली किक पे स्टार्ट हो गई थी इतने धुंध में भी, तो ये बड़ी गनीमत की बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मैंने जाना है अमानुल्लाह के घर, अमानुल्लाह को पकड़ना है, फिर हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल एक डॉक्टर के पास। अमानुल्लाह का टाइम था, वो कोई मेडिसिन खाता है, तो वो मेडिसिन थोड़ी सी कम होनी थी, तो इस वजह से हमें एमरजेंसी में जाना पड़ा। नहीं तो ये कोई धुंध वो नहीं है कि जिसमें बाहर निकला जा सके, इसमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। इस वजह से जो हमारी मजबूरी है, मजबूरी कह सकते हैं, मजबूरी है, इस वजह से अमानुल्लाह को लेकर हमने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो 8:30 बजे तक उठ जाता है और उसके टोकन मिलना बंद हो जाते हैं और फिर बारी नहीं आती। इस वजह से अमानुल्लाह को लेके हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले चलते हैं अमानुल्लाह को पकड़ते हैं, फिर जाएंगे हम फटाफट हॉस्पिटल, तो अल्लाह खैर करेगा। आज का सफ़र करते हैं शुरू। अल्लाह लाइट पता नहीं नज़र आती है कि नहीं, इंडिकेटर आपके भाई ने जला दिया, इंडिकेटर तो साफ नज़र आएगा ना। कुछ लोग कह रहे थे इस दफ़ा भाई ठंड नहीं पड़नी, तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ, आज 21 दिसंबर और ये ठंड का हाल देखें आप लोग, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये कैमरे में तो फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो आज का हमारा व्लॉग जो वो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये आप चेक कर सकते हैं कितनी धुंध है यार, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा धुंध हुई पड़ी है। अल्लाह सबको खैरो खैरियत से उनके सफ़र जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ ले जाएं, तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। फिर मानते हो ना अपने भाई को, ये चेक करें धुंध कितनी ज़्यादा है, जो इतनी धुंध में भी बाइक चला के जा रहा है। आपका भाई दिल का बहुत अच्छा है। ओए ओए ओए, यहाँ पे गाइस रिंग रोड है, या देखें मुझे तो लगता है जो रिंग रोड है ना वो आज बंद किया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। हाँ मुझे लगता है जो रिंग रोड है बंद किया, क्योंकि कुछ भी नज़र आ रहा है। ये ब्रिज है आपको अगर आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखें ब्रिज के ऊपर तक धुंध आई पड़ी है। ठीक है, वो देखें भाई साइकिल वाला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, लगे ये देखें मैंने क्रॉस कर दिया। रोड मुझे लगता है यार बिल्कुल बंद है, तो ब्लॉक को करते हैं यहाँ पे बंद और अमानुल्लाह के घर जाके खैर खैरियत से फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आपका भाई पहुँच चुका है, ये चेक कर सकते हैं। मेरे जो आईब्रोज हैं ये भी गीले हुए पड़े हैं, बाल जो ये भी गीले हुए पड़े हैं, और ये चेक कर इन पर धुंध आ गई, क्योंकि इस वहाँ से तो स्टिल में बाइक चलाता रहा था। तो अब चलते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। तो फाइनली नाश्ता वगैरह हम लोगों ने रेडी कर लिया, अमानुल्लाह जो है वो आ चुका है, तो बगैर देर किए चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। ग्लव्स श्रव्स आपके भाई ने पहन लिए, बाइक वगैरह स्टार्ट कर लिए, तो चलो निकलते हैं अब। बाबे अरफा क्रीम टावर के नजर ही नहीं आ रहा, वो क्या है, दही लान गया, दही लान गया। तो पार्किंग में बाइक वगैरह खड़ी करके हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, वो चेक करें अमानुल्लाह जो वो जा रहा है,
और ये चेक करें धुंध कितनी, हॉस्पिटल में तो आज बिल्कुल भी रश नहीं है। हॉस्पिटल में खड़े हम लोग बोर हो रहे थे तो ये हमने रेंटा कार वाले का नंबर जो है ये मिला दिया, ये आप देख सकते हैं। तो अब मान अल्लाह साहब लड़की बन के इसको कॉल करने लगा, अपन वाले कार नंबर ही एंड हो गया ना, कर दोबारा मिला 712। नहीं चुक रहा, कॉल ही एंड हो जाती दोबारा, और मिला 21 वाला मिला दोबारा एंड होगी। चलो दूसरा मिला ना नंबर 88 72 808। जा रही है मैंने ऐसी आ रही गई, फुल कर पहले ना पूछी घंटा कार मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? हेलो, हाँ जी बोलिए। रेंट कार? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कौन सी गाड़ी अवेलेबल है? ये बात कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, ये गाड़ी रेंट पे चाहिए थी जी। जी कहाँ पे अभी इस वक्त ये आपका शोरूम वगैरह गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी हुई? शेरजाद में होते हैं। शेरजाद में होते हैं? नहीं नहीं, फिर तो बहुत दूर है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लान है हमारा वो फ्लॉप हो चुका है, तो खान भाई आ चुके हैं, हमने उससे कावा लगवाया, तो ये देखें कावा, तो कावा पीते हैं फिर, और फिर सर्दी का मजा लेते हैं। पसंद आया कि नहीं आया? दे खाना, उन्हें भी दे खाना। ये हमारा चरोल भाई है, ये चेक कर सकते हैं, ये भी कावा पीने लगा। ये हाँ जी सरोज भाई, कैसा है कावा? सरोज भाई काला आ रहा है। ठीक है, सही हो गया। मजे का। चलो, नहीं खा रही अनु। ओए मर भी नहीं खा। ये देखें अमानुल्लाह बिल्ले को खिलाते हुए, बारी तो हमारी आई नहीं अभी। तो ये बिल्ला जो है ना तो तेरे को जान छुड़वा बच्चे, उन्हें जान लगाई लाइन तेरे में चौकी चढ़ना, उन्हें जान लाई ना तो तेरे अभी लड़ जानी ज्यादा ही पड़ा आराम से। बिल्ला इतनी ठंडे चिल्ला की तरह इस तो डॉक्टर से चेकअप करा दिया, डॉक्टर से मिलमुल लिया, तो अब हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए हैं। मान अल्लाह और मैं पार्क ने क्या है, इन्हें नहीं बचना, इन्हें लौर ले जाओ। तो हम इसको लौर ले हैं तो अब हम जा रहे हैं, बाइक निकालते हैं अपनी और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो मानुल्लाह को हॉस्पिटल से लेके हम लोग घर आ गए थे, तो मैं घर अभी पहुंचा ही था मानुल्लाह लोगों के, तो अम्मी की कॉल आ गई कि क्यों मैं यार घर में अकेला हूँ, तो अम्मी अकेली घर में क्या करेंगी, तो अम्मी को भी लेके आते हैं, वो आंटी वगैरह से भी मिल लेंगी, तो हम भी इंजॉय कर लेंगे। जो आतिफ है वो भी आ चुका है, तो फिर मिल के सारे कोई मूवी शूवी देखेंगे और सर्दी को इंजॉय करेंगे। तो अभी बगैर देर किए निकलते हैं अपने घर, वहाँ से मामा जी को पकड़ते हैं घर ही। यार मैं पहुँच चुका हूँ, अम्मी जो है वो बस रेडी हो रही है, सर्दी तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, चेक कर सकते हैं आप, अभी तक धुंध जो इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो अम्मी को लेते हैं और फिर चलते हैं। शिरोज भी यहाँ कहीं काम आया हुआ था, देखते हैं वो अगर आता है तो फिर साथ दोनों मिल के ही चलते हैं काम, घर चलते हैं हम लोग दोनों मिलकर ही। तो अम्मी जान को मैं लेके मामू के घर आ चुका था, तो अब शाम हो रही है, सर्दी काफ़ी हो रही है, मतलब कि अभी 4:15 का टाइम है। वो सामने आप धुंध देख सकते हैं, इधर भी देखें आँखों से ज़्यादा नज़र आती है, वैसे कैमरे में इतनी नहीं आ रही। तो अमानुल्लाह जो है वो भी आज हमारे साथ ही जा रहा है, ये चेक कर सकते हैं। अमानुल्लाह आ गया, पीछे अम्मी जान भी आ गई है, बाइक जो आपके भाई ने स्टार्ट कर ली है, तो बस अब निकलते हैं घर। गलती हो ही जाती है, लाइट चलेगी यहाँ पे, लाइट का वाकई यार बहुत ज़्यादा इशू, तो चलते हैं अपने घर, वहाँ पे मोबाइल वगैरह जो है वो भी चार्ज करते हैं और निकलते हैं आप इससे पहले। भाई मेरे मोबाइल में, हाँ घर मेरे मोबाइल में थोड़ी सी चार्जिंग है, तो घर चलते हैं, वहाँ चल के बिस्तरे वगैरह में लेटते हैं और मोबाइल वगैरह चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होनी पड़ी है।
सर्दी का सारा मज़ा तो इस आग में, ये चेक कर सकते हैं। मैं और अमानुल्लाह और अम्मी जो है खैर कह रहे थे घर आ चुके हैं, हमारे घर जो पानी है वो ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने अमानुल्लाह को भेजा ऊपर से जाके बोतल भर लाओ, क्योंकि सर्दी में आपको पता पानी जो है वो कम इस्तेमाल होता है। अमानुल्लाह ऊपर गया, वो पानी की बोतल लाता है, तो फिर चलते हैं उसको भरते हैं, और भर के फिर एक दफ़ा घर आते हैं और फिर बिस्तर वगैरह में लेटते हैं, क्योंकि बार बार जाना बहुत मुश्किल होता है। आए हाय हाय, सर्दी की सुना यार, सर्दी का क्या हाल है, मज़ा आ रहा है ना? सर्दी ठीक ठाक है, कपड़े जपड़े पाक रखी हुई है। सर्दी ने कपड़े जपड़े पाए हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए, तो आते साथ ही इसको तार आ गई, वो वाली तार आ गई, तो इसने कहा मुझे पानी भरने चले, मेहमान की कोई इज्जत नहीं है, कोई वो क्या करते हैं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सिर्फ इसको यही कहा है कि आओ पानी भरने चलते हैं, और इसके अलावा हमने इससे कुछ नहीं करवाया, हम लोग जा रहे हैं पानी भरने। सर्दी में हाथ भी सुन रहे हैं, और पानी छाने भर के फिर घर आते हैं, फिर आके घर से मारते हैं, ये तो पागल है। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ आने का बहुत फायदा है, तो देखे नाजरीन हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, तो देखे कैसे फायदा आया, और धूम चेक करें यहाँ सामने वाला प्लॉट जो है पूरा धूम से फिल हुआ पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करता हूँ आपकी नदर ब्लॉग। ओए ओ ओ ओ ओ, तो ये शूटर से पानी जो है वो भरी जा रहा है, ये भरते हैं और फिर आप लोगों को घर जाके मिलते हैं। चाबी ऑन करो, क्या न्यूट्रन है, चल मार के। वालेकुम सलाम, मैं लेकर पानी घर आ चुका है। ओहो, सो पानी को लेके हम लोग घर आ चुके हैं, तो ये क्यों अब उठाने लगा है, इसकी पिलचुम पिलचुम हुई बड़ी है। हाँ जी, आ रहा मजा बड़ा, जरा बहुबली वाला वो करो तो सही, ताकत देख रहा भाई की। मैं कहता हूँ ऐसी वैसी ताकत, बच्चा बहुत मेहनत करता है एक पानी पीने के लिए, वैसे ये उठ के पानी खुद गिलास में पीने के लिए ये करता नहीं है मेहनत, लेकिन भर के आने के लिए मेहनत बहुत करता है ये बच्चा। ये देखें बच्चा बड़ा सोना है। तो पानी वगैरह भर के हम लोगों ने रख दिया था, तो आपका भाई जो है वो थोड़ी देर सो गया था, क्योंकि नींद काफ़ी आई हुई थी, सुबह भी आपको पता जैसा कि जल्दी उठ के गए थे अमानुल्लाह के साथ, तो फिर बातें शातें की, तो इसमें भूख लग गई काफ़ी ज़्यादा, तो अब खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया थोड़ा सा, और अम्मी जान जो है वो वहाँ पे रोटियाँ पका रही हैं, चेक करें आप, तो जैसे फिर वो खाना आ जाता है फिर खाना वगैरह खाते हैं। तो खाना शाना आ चुका है, और ये बंदा सबसे पहले आके बैठा पड़ा है, ये चेक कर सकते हैं, क्या बात मज़े का हैं, फ्राइज और ये ब्रोस्ट, और ये चेक करें साथ पैरी पैरी सॉस है, तो हम आपको खाने के बाद मिलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं, और ना तंग कर यार, बिस्तर में लेट चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अगर तो आप भाई के चैनल पर नए हैं तो भाई को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताना कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।